हाय गाइस, वेलकम टू एडो सॉल्यूशन ओवरसीज। गाइस, आज का ये वीडियो है कनाडा के मेडिसिन हार्ट कॉलेज के बारे में। गाइस, मेडिसिन हार्ट कॉलेज एक पब्लिक कॉलेज है, कनाडा का एक पब्लिक कॉलेज है एंड इट इज लोकेटेड इन द सिटी ऑफ मेडिसिन हार्ट अल्बर्टा एंड फाउंडेड इन 1965। गाइस, मेडिसिन हार्ट कॉलेज एक डिजाइंड लर्निंग इंस्टीट्यूशन है जहां पर आपको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, अप्लाइड डिग्री, डिग्री एंड यूनिवर्सिटी ट्रांसफर प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। गाइस, एमएचसी का बहुत ही सेफ और कम्युनिटी एनवायरनमेंट है जो डेफिनेटली सभी स्टूडेंट्स को चाहिए सर्वाइव करने के लिए। एंड सबसे खास बात यह है कि यहाँ का जो क्लास साइज है वो बहुत ही स्मॉल है, एवरेज 18 स्टूडेंट्स यहाँ पर रहते हैं। तो इसका सबसे अच्छा बेनिफिट यही है कि जितने कम स्टूडेंट्स होंगे उतना ही ज़्यादा फैकल्टीज़ को बच्चों पे फोकस करने का मौका मिलेगा और बच्चे भी अपनी मैक्स टू मैक्स डाउट्स और अपनी इंक्वायरीज फैकल्टीज से इजीली फ्री होकर के पूछ सकते हैं। तो ये इसका बहुत ही अच्छा एक प्लस पॉइंट है। गाइज, अगर मैं मेडिसिन हार्ट कॉलेज का कंपैरिजन ट्यूशन फी के मामले में कनाडा के अदर कॉलेजेस से करूं तो यहाँ की जो ट्यूशन फीस है वो भी बहुत अफोर्डेबल है और बहुत ही लाइक 11,420 कैनेडियन डॉलर से स्टार्ट होती है पर ईयर। अपने आप में काफ़ी अफोर्डेबल है, आप समझ सकते हैं। गाइज, अगर मैं एमएचसी से पास होने के बाद, डिग्री लेने के बाद जो एम्प्लॉयमेंट रेशो है, 98% एम्प्लॉयमेंट रेशो है, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रेशो है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट वाला पॉइंट है स्टूडेंट्स के लिए, हम ट्रस्ट कर सकते हैं। एंड गाइज, अगर हम लिविंग कॉस्ट की बात करते हैं तो बहुत ही अफोर्डेबल है कंपैरेटिवली अदर कॉलेजेस के। तो अगर मैं बात करती हूँ, आपका ट्यूशन फी भी इंक्लूड कर लीजिए, अकोमोडेशन ले लीजिए, फूड एंड अदर एक्सपेंसेस सब कुछ अगर हम इंक्लूड कर लेते हैं तो 30,000 कैनेडियन डॉलर्स पर ईयर निकल करके आता है। तो आई गेस कंपैरेटिवली ये काफ़ी अफोर्डेबल है। गाइज, कोर्स प्रोग्राम्स की अगर मैं बात करती हूँ तो आप डिप्लोमा प्रोग्राम्स में जा सकते हैं जो कि 2 ईयर्स के हैं। डिप्लोमा प्रोग्राम्स जो भी अवेलेबल हैं उसमें से कुछ प्रोग्राम्स मैं आपको शो कर रही हूँ, लेकिन इसके अलावा लिस्ट बहुत लंबी है। गाइस, अगर आपके अकॉर्डिंगली कुछ और कोर्स प्रोग्राम्स आप को चाहिए तो उसके लिए आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं ताकि आपके प्रोफाइल के हिसाब से हम आपको एमएचसी के अदर कोर्स प्रोग्राम्स बता सकें। जैसे कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस मैनेजमेंट में जा सकते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, अकाउंटिंग है, फिनेंस है, जनरल मैनेजमेंट है, हॉस्पिटैलिटी है, चाइल्ड एंड यूथ केयर काउंसलर है, यहाँ पर आप बिल्ट एनवायरनमेंट में जा सकते हैं, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, क्रिमिनल जस्टिस है, अर्ली लर्निंग एंड चाइल्ड केयर, इससे रिलेटेड कोर्स प्रोग्राम्स आपको मिल जाएंगे। गाइज, इसके अलावा आप देख सकते हैं ह्यूमैनिटीज है, सोशल साइंस है एंड सॉफ्टवेयर इंटरनेट डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी सपोर्ट है एंड आप पैरामेडिकल प्रैक्टिस नर्सिंग है, पावर इंजीनियरिंग, सोशल वर्क एंड स्पोर्ट एंड इवेंट मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो गाइज, बहुत सारे डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं। इसके अलावा कुछ भी अगर आपको लगता है कि आपको नज़र नहीं आ रहा है स्क्रीन पे तो आप प्लीज़ हमें कॉल करें ताकि हम आपको सजेस्ट कर पाएं। गाइज, बैचलर्स डिग्री ऑफर्ड इन पार्टनरशिप प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि बैचलर ऑफ नर्सिंग है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, आर्ट्स कॉमर्स मैनेजमेंट एजुकेशन और सोशल वर्क भी आपको मिल जाएगा। एंड गाइज, अप्लाइड डिग्री कोर्स प्रोग्राम्स की बात करते हैं तो बैचलर ऑफ अप्लाइड आर्ट्स है, बैचलर ऑफ अप्लाइड हेल्थ साइंस पैरामेडिक। गाइज, एंट्री क्राइटेरिया की अगर मैं बात करती हूँ तो आइल्स का स्कोर ओवरऑल 6, नो सेक्शन लेस देन 6 होना चाहिए। लेकिन अगर आप हेल्थ एंड काउंसलिंग रिलेटेड प्रोग्राम्स में जाना चाहते हैं तो आइल्स का स्कोर ओवरऑल 7 विद नो बैंड लेस देन 7 होना जरूरी है। गाइज, आइल्स के अलावा टोफेल भी एक्सेप्टेड है जैसा कि आप देख सकते हैं। और इनटेक्स की अगर मैं बात करती हूँ तो एमएचसी में आपको जनवरी इनटेक मिल जाएगा, अप्रैल मई मिल जाएगा और सेप्टेम्बर इनटेक भी अवेलेबल है। तो गाइज,
जहाँ तक मुझे लगता है मेडिसिन ऑफ हार्ट कॉलेज से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैं आपको दे चुकी हूँ, बट इसके अलावा कुछ और डाउट्स और कुछ और क्वेश्चंस आपके माइंड में है तो प्लीज़ आप हमें कॉन्टैक्ट करें ताकि हमारे एक्सपीरियंस टीम पूरी तरीके से आपको सपोर्ट कर सके। और आप चाहें तो हमारा फ्री काउंसलिंग सेशन भी ले सकते हैं, इसके लिए हमारे कोई चार्जेस नहीं है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।